नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। प्रहलाद नगर ही नहीं, मेरठ के चार थाना क्षेत्र, शहर के कोतवाली, दहली गेट, लिसाड़ी गेट और नौचंदी थाना क्षेत्र के करीब 30 मोहल्लों से मुस्लिम संप्रदाय से डर कर हिंदू आबादी अपना मकान बेचकर जा चुकी है। हम बात कर रहे हैं मेरठ की, जहां हिंदू परिवारों के पलायन की वजह से उत्तर प्रदेश का दूसरा कैराना बनने जा रहा है। मेरठ में दैनिक जागरण में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार हिंदू परिवार मुसलमानों के कारण अपने घरों से पलायन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्लिम समुदाय की गुंडागर्दी के चलते प्रहलाद नगर में बहुसंख्यक वर्ग के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। यहां से हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर है। दहशत की वजह से बहुसंख्यक समुदाय अपना मकान बेचकर वहां से पलायन करने को विवश है। यहां पर लगभग हर घर और दुकान के बाहर बिकाऊ होने का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन को मुस्लिमों से परेशान हिंदू परिवारों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा। प्रशासन का कहना है कि हिंदू भय की वजह से पलायन नहीं कर रहे। दैनिक जागरण में छपी रिपोर्ट के अनुसार मेरठ का माहौल इन दिनों ऐसा बना हुआ है कि सूरज निकलने के साथ ही मुस्लिम समुदाय के युवा बाइक पर तेज हॉर्न के साथ स्पीड से निकलते हैं और युवतियों पर कमेंट करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये यहाँ का दिनचर्या बन चुका है। इसी से परेशान होकर हिंदू आबादी अपने उस घर को बेच कर जाने को विवश हो गए हैं, जहाँ वो वर्षों से रह रहे थे। आपको बताते चले कि पहले प्रहलाद नगर से 125 परिवारों के पलायन की खबरें सामने आई थी। लोगों ने साफ साफ कहा था कि एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई हैं कि वे पलायन को मजबूर हुए हैं। मामले की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची। बूथ अध्यक्ष महेश मेहता ने नमो ऐप पर शिकायत की थी, जिसके बाद पीएमओ की तरफ से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय को उचित कदम उठाने को कहा गया। इसके बाद हरकत में आए मुख्यमंत्री कार्यालय ने मेरठ के डीएम व वरिष्ठ एसपी को विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। पार्षद पाहवा ने आरोप लगाया कि पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि संसद सत्र के बाद मेरठ पहुंचते ही वे इस मामले को देखेंगे। सांसद ने स्वीकार किया कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या कहा एसएसपी ने? एसएसपी ने कहा कि पुरानी शिकायतों को खंगाल कर यह देखने की कोशिश की जाएगी कि उन मामलों में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, और उसके बाद सीएमओ की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। क्या कहा एडीजी ने? वहीं एएनआई ने जब मेरठ के एडीजी से बात की तो उन्होंने कहा कि जिला अधिकारियों ने इलाके में निरीक्षण किया है। प्रहलाद नगर से लोगों का पलायन डर के कारण नहीं हुआ है। इलाके में ट्रैफिक, प्रदूषण और छेड़छाड़ की समस्याएं हैं। उन्होंने बताया कि यहां पर पुलिस पिकेट स्थापित किया गया है और सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए। एडीजी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। हालांकि एडीजी साहब यह नहीं समझा पाए कि छेड़छाड़ की घटना से डर का माहौल बनता है या नहीं। क्या कहना है स्थानीय लोगों का? स्थानीय लोगों ने कहा कि बहु बेटियों का बाहर बैठना तक दूभर हो गया, क्योंकि उन पर अश्लील कमेंट किए जाते हैं। यह सिलसिला आज से नहीं बल्कि पिछले 5-6 वर्षों से लगातार चला आ रहा है। निवासियों का कहना है कि किसी भी सांप्रदायिक तनाव वाली घटना के बाद पुलिस तो आती है, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद हालात वही के वही रहते हैं। समुदाय विशेष के शरारती तत्व स्टंटबाजी, लूटपाट, छेड़छाड़ जैसी हरकतें करके लोगों को परेशान करते हैं, औने पौने दाम पर बेच रहे हैं घर। बहुसंख्यक हिंदू की पलायन की कहानी में दर्द और बढ़ जाता है जब उनकी खून पसीने की कमाई कौड़ी के दाम में जा रही होती है और उसे खरीदने वाला भी मुस्लिम ही होता है, जिससे वह मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। संजीव तोमर की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार कुल 425 हिंदू परिवारों में लगभग 125 परिवार सिर्फ मुसलमानों की वजह से पलायन कर गए। ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं, यहाँ फिर वही प्रश्न आंखों के सामने कौंधता है कि 10 हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार तो रह लेता है, लेकिन 10 मुस्लिम परिवारों के बीच एक हिंदू परिवार क्यों नहीं रह पाता? धर्म की इस राजनीति में और खूनी खेल में पिसता सिर्फ आम आदमी है। आपसे अपील है कि देश बहुत खूबसूरत है, इसी खूबसूरती में धर्म की कालिख ना पोते।